हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तेज अधड़ और बारिश से डिस्कॉम को 10 लाख रुपए का नुकसान, 236 से अधिक पोल टूटे, 4 ट्रांसफार्मर भी हुए क्षतिग्रस्त, 450 से अधिक गांव की विद्युत आपूर्ति हुई बाधित। डिस्कॉम टीमों ने एक ही दिन में 336 से अधिक गांव में विद्युत आपूर्ति का किया सुचारू। मंगलवार की रात को आए तेज अधड़ और बारिश के कारण डिस्कॉम को 10 लाख रुपए से अधिक की राशि के पोल व ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद बुधवार को डिस्कॉम द्वारा टीमें लगातार तेजी से विद्युत आपूर्ति बहाल करने की कार्रवाई की गई। ये जानकारी देते हुए अधीक्षण अभियंता बाड़मेर श्री अजय माथुर ने बताया कि मंगलवार रात को आई तेज आंधी, अधड़ व बारिश के कारण जिले के विभिन्न इलाकों में बिजली के तार पोल ट्रांसफार्मर टूट गए। इसमें 9 मीटर के 176 पोल, 8 मीटर के 60 पोल, 4 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए। वहीं 33 केवी के 9 एवं 11 केवी के 144 फीटरों की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई, जिससे जिले के करीब 450 से अधिक गांवों की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। इसके बाद बुधवार को युद्ध स्तर पर डिस्कॉम द्वारा टीमें लगाकर विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने का कार्य शुरू किया गया, जहां बुधवार शाम तक 450 में से 360 गांवों की विद्युत आपूर्ति को सुचारू कर दिया गया, जबकि शेष की विद्युत आपूर्ति चालू करने के लिए टीमें कार्य कर रही है एवं इन गांवों की विद्युत आपूर्ति को भी गुरुवार शाम तक सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां हुआ सर्वाधिक नुकसान। अधीक्षण अभियंता बाड़मेर श्री अजय माथुर ने बताया कि मंगलवार रात को आई तेज आंधी, अधड़ व बारिश के कारण चौटन, रामसर, शिव, सिंदरी, गुड़ा मलानी, धोरी मन्ना और सेरवा में सर्वाधिक नुकसान हुआ। आंधी व बारिश से गुड़ा मलानी में 47 पोल, धोरी मन्ना 52 पोल व 3 ट्रांसफार्मर, सेरवा में 53 पोल टूट गए, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वह चौटन में 22 एवं शिव में 16 पोल क्षतिग्रस्त हो गए। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।